तो मैंने उसको कंटिन्यू किया अपने काम को, और उसके बाद मैंने एक होटल में, एक स्टार होटल में भी मैंने एज ए फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर का काम किया। लेकिन दोस्तों उन कामों से मेरे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस, आप ये मानो कि जितना बड़ा काम होता है उतनी बड़ी परेशानी भी होती है। उन परेशानियों को मैंने बहुत अच्छी ढंग से झेला है। कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई आदमी मुझे 10,000 रुपये देता है, तो मुझे कम से कम उनके लिए 1 लाख 10 लाख का काम तो करना ही पड़ता है, तभी मुझे 10 लाख 10 हज़ार रुपये का कोई एक पैकेज देगा 1 महीने का। लेकिन जो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन नहीं थी, शिमला जैसा शहर था जहाँ पर बहुत बड़े बहुत ज़्यादा खर्चे थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की सर्कुलेशन थी, बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि आप सब एक फैमिली के लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों को हर एक परेशानी का सामना स्टैंड करना भी पड़ रहा है और किया भी होगा। तो बाय चांस जिस टाइम मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम था, तो उस टाइम मुझे आरसीबी करने का एक मौका मिला। मतलब मौका भी क्या मिला, मेरे जो अप्लाई ने, मैं चाहूँगा कि अभी शायद वो सिस्टम में नहीं है, वो यूएसए में है और छोड़ भी चुके हैं, या मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती सिस्टम में लेके आए थे, और लेके भी कैसे आए थे कि उन्होंने मुझे स्वर्गीय सतीश पंडित जी की एक मीटिंग शिमला में दिखाई थी, जहाँ से मेरा एक्सीजन क्लियर हुआ था। मैं चाहूंगा कि आपके दिल से जो टैक क्लैपिंग पंडित जी के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस सिस्टम को जब शुरुआत की, तो बहुत कुछ मैंने सोचा समझा, लेकिन इन बिटवीन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मेरी गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई, मेरी बेटी भी पीजीआई में बीमार हुई, और उन दिनों मेरा सारी मेरी गाड़ी, मेरा मेरी दुकानें, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन उस टाइम मेरे हाथों से कुछ ऐसी 40-50 ज्वाइनिंग हो गई थी जो मेरे को कंटिन्यूटी मेरे को उस काम में चलाती रही। तो कुछ समझा मैंने, कुछ समझा उन्हीं दिनों मुझे पहला चेक 813 रुपये का आया। तो दोस्तों आप नहीं माने, आप नहीं मानेंगे मुझे इतनी खुशी हुई, और मैंने उस 813 रुपये के चक्कर में अपना 20 लाख रुपये का धंधा भेज दिया, और मैं फुल टाइम इसी काम में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को ढंग से लीड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि भी ये बेले लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है। घर से भी जब मैंने शुरुआत की, तो घर से मुझे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे आप समझ सकते हैं भी घर एक्सक्यूज मी से कैसे सर, कैसे। हाँ सर थोड़ा सा आप सामने आ जाइए, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी सर जी, देखो हाँ अब ठीक है, यहाँ पर ठीक है। मुझे भी ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ा, और इसी परेशानी से मैं कोई घबराया नहीं, और मैं लगातार चलता रहा। दोस्तों मुझे एक मीटिंग में हमारे गगन दीप जी सर थे, उनकी मैंने एक मीटिंग कराई थी, जिसमें मैंने 300-400 लोगों का एक हमारे सब लोग जुड़े थे। तो उस टाइम सर ने की बात बताई थी कि भी आप ना घोड़े की तरह ऐसे लगा लो, जैसे टांगे वाले घोड़े होते हैं, जैसे लोग घोड़ों को चलाते हैं। तो मैंने वो बात दिमाग में, बात को गांठ बांध दी, और मैं लगातार दोस्तों 2005 से आज 2021 तक यहाँ से चलता रहा। मैं आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे अपने गुरुओं का, जितने भी मेरे गुरु हैं, आप सर कुलविंदर सर, ज्ञान गर्ग साहब, गुरदयाल सर, बस साहब, ज्ञानचंद गर्ग जी, विक्रम नेगी जी, मैं तहे दिल से अपने गुरुओं के लिए आज के दिन में उनके लिए चरण वंदना करता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि हमेशा उनका आशीर्वाद मिल चला रहे। और अपने जो ग्रेट पिलर हैं, जो ग्रेट मतलब कि गुरु, मतलब आने वाले गुरुओं की बहुत बड़ी उपाधि रखने वाले सरदार सुंदरपाल जी, अपने हेल्पलाइन में हमारे डॉक्टर अमनदीप जी, हमारे आशा सिंह जी, बहुत जितने जबरदस्त लीडर हैं हमारे, जो यहाँ पर इस टाइम में पूरे हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को जो मैसेज दे रहे, हमारे पांडे जी, हमारे गेरोला साहब, को तो एक एक चीज को मतलब लोगों के बीच में इतना कुछ, इनको एक्साइटमेंट भर रहे, और हर एक चीज दिखा रहे, हर एक चीज बता रहे हैं। और मैं तहे दिल से सर गुरुओं का भी अपने दिल से चरण सबको चरण वंदना करता हूँ। आज मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, हालांकि मैं मतलब कि 24 आवर फील्ड में ही रहता हूँ। मतलब आप 24 आवर का मतलब ये आप ये समझो कि जो वर्किंग टाइम होता है वो मैं फील्ड में रहता हूँ, और इस फील्ड को मतलब कि मेरा रहने का क्या मतलब है कि आप जितने भी हमें नॉलेज देते हैं, दोस्तों आप ये देखेंगे कि मैं थोड़ी कड़वी बातें दूर करना करूंगा, लेकिन आप मेरी बातों का बुरा ना माने। यदि आप बुरा भी मान जाएंगे तो कोई बात नहीं, शायद आपकी जिंदगी टर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात।
आज हम जितने भी टाइम से भी हमें 1.5 साल अभी आप जूम मीटिंग को ये स्टार्ट की होगा, तो उस इन मीटिंग में हमारा कम से कम नहीं तो 300 से 400 आदमी भी नहीं इकट्ठा हो पाता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं खुद को अपने आप को भी समझता हूँ कि हमारे नए लोग कितने लोग अभी सिस्टम में आ पाते हैं, कितने लोग इस सिस्टम को कर पाते हैं। ये सिर्फ एक एक कोई कथावाचक नहीं है, हर एक आदमी का शेयर है, हर एक आदमी की इतनी डेडिकेशन है। आप ये देखिए कि कोई आदमी यदि इसमें प्रेजेंटेशन बनाता है, प्रेजेंट करता है किसी भी एक सब्जेक्ट को, जैसे पांडे सारे गहलोत साहब हैं हमारे, अपने सुंदरपाल जी हैं, अपने कुलिंदर सिंह जी हैं, नेगी साहब हैं, अपने डॉक्टर अमनदीप जी हैं, कैसे कैसे एक चीज को कितना कितना टाइम देते हैं। और हम तो खुद भी अपने आप में कई बार हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि हम तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन यदि वो कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ उनकी बातों पे, उनके कामों पे और उनकी जो दी जो चीजें उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। आज के टाइम में हमारा हम कई बार भी अपने अपने टीम में बातें करते, लोगों से बात करते कि यार आप फील्ड में निकलो, तो दोस्तों फील्ड में भी निकलने का एक ही बहाना होता है उनका कि अभी कोरोना है, अभी वो है सो है, क्योंकि अब ये कोरोना का रोना तो चला ही रहेगा, अभी कोरोना है उसके बाद पता नहीं कितने रोने आएंगे, अभी डेल्टा बीटा थीटा पूरा मैथमेटिक्स इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम क्या काम करेंगे। आप देखो कि आज के टाइम में यदि हमारा बिजनेस वैल्यूम कहीं स्टैंड करता है, यदि किसी एक एक पर्सन का डिस्ट्रीब्यूटर का 1 लाख वॉल्यूम नीचे जाता है, 1 लाख वॉल्यूम का मतलब है कि एक नया आदमी यदि 1000 रुपये का सामान लेता है उस पर 500 वॉल्यूम आता है, तो आप ये देखिए कि 1 लाख रुपये का वॉल्यूम भी तो कोई ना कोई आदमी ट्रेड करने वाला है। तो आप इस बात के डाउट से को दूर करिए कि आज के टाइम में क्या, और आप फील्ड में निकलिए, और जितने भी फील्ड में यदि आप निकलेंगे तो ही हम रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, हमारा जूम मीटिंग में हमारे सब दोस्त, हमारे सब भाई, हमारे क्लाइंट हमें गाइड करें, लेकिन इस नॉलेज को हमें कहीं ना कहीं समाज में तो देना ही। तो मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ चुका है कि हम अपनी क्षमताओं को, हम अपने नॉलेज को समाज में बांटें, और इस समाज में बांटते बांटते हम अपनी टीम को भी उठाएं, और अपनी टीम के माध्यम से हमारे पूरे समाज को, पूरे एरिया को हम कैसे ना कैसे उनको कैसे ना कैसे मोटिवेट करके, उनको जबरदस्ती चला के उनको कहीं अपने फील्ड पर स्टैंड करें। तो दोस्तों जो मेरा सर ने जैसे मुझे अभी आज मेरी जो ड्यूटी दी है, प्लान की ड्यूटी दी है, और मैं कुछ एक बातें आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, और मैं वो डिस्कस करूंगा कि जो जो मैंने अपने लाइफ में अपना खुद किया है। स्टार्टिंग में जब मैं कॉन्वेंट स्कूल से निकला तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार मैं क्या आरसीएम क्या बताऊंगा, कि आरसीएम यदि मैं उस टाइम मुझे बैग उठाना भी मेरे को ऐसा शर्म सा लगता था कि यार जिसका 22 लाख रुपये का धंधा है वो सिर्फ 1500 धंधा लेके चलेगा। लेकिन वो मेरी गलतफहमी दूर होते होते मेरे अपलाइनों द्वारा वो मेरे मुझे सिखाते सिखाते वो सारी मेरी गलतफहमी कम से कम 1 से 1.5-2 साल के बीच में खत्म हुई। उन दिनों की बात है दोस्तों, खैर मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि 2008-09 में मैंने अपनी रॉयल्टी को जब ब्रेक किया था, तो उन्हीं दिनों कंपनी में बहुत बड़ा एक, आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा एक मुसीबत आई थी, जिसमें उस मुसीबत में हमें भी कुछ एक रोल करने का मौका मिला था। शायद मुझे पता कि दिल्ली में मैं कोई 8 महीने रहा था, और जयपुर राजस्थान में भी मैं कम से कम 7 से 8 महीने रहा था, और 7 से 8 महीने मतलब कि आप यदि आप समझे कि आरसीएम मैंने दिल से अपने अपने ब्लड से आरसीएम किया था। मुझे पता है कि जब मैं जब भीलवाड़ा में अपने जयपुर में जब गाइड लाइन बननी थी, तो गाइड लाइन में हमारे बहुत साथी अभी जो भी इसमें बैठे होंगे, तो मुझे भी एक प्रतिनिधित्व दिया गया हिमाचल से एज ए प्रेजिडेंट एसोसिएशन का, तो हमने उसको देखो भी निकाला, और आज इतनी खुशी की बात है कि अब हम जब अपने लोगों को यहाँ से निकलते देखते हैं तो हमें लगता है कि यार जो हमारा उस जगह में जो हमारा एक होती थी वो कहीं ना कहीं काम आई है। दोस्तों हम उन दिनों की बात आते हैं कि दर्द की बात है कि जब आपसे मुसीबत में था तो हम अपना सारा धंधा खत्म कर चुके थे, सब धंधा बेच चुके थे, और लोग जब हम जो लोग हमारे साथ काम नहीं करते थे तो हमें जो दूर से बोलते थे कि जय आरसीएम, तो हम भी बोलते कि सर जय आरसीएम, तो बोलते थे गया आरसीएम, तो हम उनको अपनी फोटो दिखाते कि देखो मैं अभी जयपुर में हूँ, मैं अभी भीलवाड़ा हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो हमने दोस्तों आज अपने बस साहब के माध्यम से, हमारे कोठारी साहब के माध्यम से, और आप सभी के माध्यम से इस स्टेज में यदि इस सिस्टम को आगे लाया है तो हमें चाहिए कि हमें इसको अब दिल से काम करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक दिल में ऐसी बात तो आती है कि इस गाइडलाइन को यदि आज के टाइम में आरसीएम के माध्यम से यहाँ पर आया तो हमारे कुछ लोगों को कामयाब होना बहुत जरूरी है। आज हम अपने हिमाचल की बात देखते हैं
तो चंद लोग हैं यहाँ पर जो अभी लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलो इस बात की बहुत खुशी की बात है कि अभी हम एक्टिवेट होना शुरू हैं अभी आप। लेकिन हमारा जो पुराना आदमी है वो आदमी क्यों काम नहीं कर पा रहा, उसकी क्या वजह है? उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या उसके घर में साबुन लगता, उसके घर में मिर्च मसाला लगता या कुछ नहीं लगता, वो इस बात से नेगेटिवेट क्यों है? अपने दूसरे काम को जो 10,000 की नौकरी को वो प्रायोरिटी ले रहा है, वो जो इतना बड़ा काम है जहां से उसको खुद को पता उसके अकाउंट में 10-15-15 लाख रुपए भी गए हैं, तो भी उसको वो ऐसे समझ रहा है कि जैसे एक मूंगफली का ठेला है। तो ये मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये बहुत गलत बात है। आप काम करिए, आपको मरना है जीना है, हारी बीमारी है सब ऊपर वाले के हाथ में। मैंने लॉकडाउन में खुल के काम किया है, मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका, मुझे किसी बीमारी में नहीं रोका। अभी लास्ट टाइम हमारे कुछ हमारे जो जो कंधे से कंधा मिलाने वाले साथी अभी कोविड से मतलब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, और हमें तो उस कोविड के टाइम में भी हमने उनके पूरे उनके 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 बॉडी के साथ हम जो टच रहे, उनसे बात, उनके चरणों के पास हम रहे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इस भ्रम से दूर रहे, इन चीजों से दूर रहे, और फील्ड में अपने कुछ न कुछ एक अपनी ताकत को उठाए। तो मैं थोड़ी सी बातों को यहाँ से विराम करता हूँ, लेकिन अब मैं प्लान पे शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आरसीएम की बात की, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इसमें नए लोग बैठे हैं, क्योंकि पुराने हमारे सब लोग हैं इसमें, मैक्सिमम हमारे रॉयल्टी हमारे सारे सीनियर अचीवर ही है। आप बुरा ना माने सर, क्योंकि यदि हमारी इस समय 150 रुपए की 150 या 300 की भी गैदरिंग है तो उसमें हम मैक्सिमम अचीवर ही है। हमारे साथ कितने नए लोग बैठे हैं वो हमें उसका क्वेश्चन, हम उसका आंसर हमें खुद को देना है। तो लेकिन एक सौदा प्लान कि मुझे प्लान बताना नहीं, मुझे प्लान दिखाना है, तो जो मेरी ड्यूटी है मैं अपने ड्यूटी को कायम करता हूँ। तो आरसीएम दोस्तों ये कोई ये वही काम है जो हमने किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, आने वाली पीढ़ियां करें, कि हम किसी के कहने से भी मिठाई कहीं से ले आते हैं, किसी के कहने से हम कोई भी काम करते, कपड़ा कहीं से ले आते हैं, कि कोई कहता है कि यार आप दुकान से सामान ले गया, दुकान से सामान ले गया, ये तो हम काम कर ही रहे। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल वे में जो काम है ये हम नहीं कर, हमारे आने वाले बुजुर्ग भी करते, आने वाली पीढ़ियां भी करती थी। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी होती है, एक कंपनी जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, जितना भी मैंने कपड़ा पहना है चाहे कहीं से पहना है, ये कोई ना कोई कंपनी ही बनाती है। उसको सामान उसको देने वाला कौन होता है? कस्टमर होता है। तो कंपनी और कस्टमर के बीच में रिलेशन पहले से भी होता है, अब भी हो रहा है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। तो कंपनी और कस्टमर है, इनके बीच में कुछ बिचौलियां होती है, वो आपको सबको पता है कि आपने हमने सामान दुकानदार से लेना, दुकानदार अपने घर पे सामान लेता है, वो होलसेलर से लेता, वो भी अपने घर में बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता, वो भी अपने घर में बनाता, वो भी कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट के थ्रू कंपनी से सामान लेता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 5 रुपए की चीज 10 रुपए की कस्टमर को बिकती है। ट्रेडिशनल वे में यही काम हो रहा है और यही काम चलता आ रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में जो एक हमारे 2000 में याद किया हमारे टीसी छाबड़ा जी ने, इस सिस्टम को जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर से लेके कंपनी को डायरेक्ट छोड़ दिया और बीच के लोगों का जो बीच में एक एडवर्टाइजमेंट का माध्यम होता है, एडवर्टाइजमेंट का माध्यम जो हम आपस में करते हैं उसका टोटल 45% मेरे को आपको हम आम लोगों को, हम आम डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप समझ सकते हैं कि इसको कम काम, इस बड़े काम को करने वाली कोई और कंपनी तो नहीं। हमारी आरसीएम कंपनी है जो भीलवाड़ा से है, जिसके आज के टाइम में 10 से 12 हजार पिकअप सेंटर है, 10 से 12 हजार पिकअप सेंटर। आप ये समझ सकते हैं कि एक पिकअप सेंटर कितने का खुलता है, आप सभी को मालूम है। अभी मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा कि अभी हमारे हिमाचल में हमारे मैडम अमृता नेगी जी ने भी इसकी शुरुआत की है, और आप ये देखिए कि जिस एरिया में उन्होंने काम को शुरुआत की कहाँ हमारा एडीसी है। जहां से मैं समझता हूँ कि भी पैसे का बचना बचाना तो दूर की बात है, लेकिन वो कितने बड़े मिशन पे काम करें, तो अभी उनका कितना पैसा लगे कभी मैडम से बात करेंगे। तो यदि आप ये समझे कि यदि हमारा 10,000 पिकअप सेंटर में भी कम से कम 2 लाख रुपए का भी सामान है, तो
तो 10,000 को आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करके देखें, इमेजिन करें 10,000 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो लग जाएगी आपको, अभी आपको भी पता नहीं लगेगा कितनी जीरो लग जाएगी। इतना तो कंपनी के पास सामान पड़ा है, इसको बनाने वाले, इसको लाने वाले, इसको इतना, इसको इतना कुछ करने वाले, इसका या आप इसको मेजर करो, 10,000 हमारे पिकअप सेंटर्स हो गए, 80 हमारे डिपो है, 80 से डिपो की जो रफ्तार बढ़ती जा रही है, होते जा रहे हैं, 300 से 400 प्रोडक्ट्स, जितना भी हम आप देख रहे हैं, जितना भी मैंने जो भी अपना पहना, अपने अंदर अपने अंडर गारमेंट से लेके मेरा शूज से लेके सब कुछ है आसिन का ही है, ठीक है। तो 400 प्रोडक्ट्स और 4 करोड़ लोगों के साथ जो इसके यूजिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, इसके साथ कंपनी रन आउट कर रही है। तो आप ये देखते हैं दोस्तों कि इतना बड़ा विशाल नेटवर्क, इतना बड़ा विशाल बिजनेस, जो हमें चंद सिर्फ एक KYC के माध्यम से, एक आधार कार्ड और एक अकाउंट की कॉपी और एक बैंक अकाउंट अपना पैन कार्ड के माध्यम से, एक अपने फोटो के माध्यम से हमें मिला। अब इस सिस्टम को, ये तो सिस्टम है, इतना बड़ा विशाल नेटवर्क, इस इतने बड़े विशाल नेटवर्क को करने के लिए आप ये देखिए कि इसमें कंपनी के कुछ एक परफॉर्मेंस बोनस है, 10 से 32% या आप सबको मालूम है, यदि नए लोग बैठे हैं तो अपने अपलाइन से समझे कि 10 से 32% क्या चीज है। मुझे पता कि जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया तो मुझे 10 से 32% कुछ कोई पता नहीं था, हमें ये पता था कि शायद जोड़े जोड़े बनते कि दो यहाँ लगा दो, चार यहाँ लगा दो, ये परसेंटेज की बात समझ नहीं आएगी। कई बार जो मेरा वॉल्यूम अकेले का होता था तो जो टीम का मेरा 1,65,000 का भी जो मेरा वॉल्यूम होता था तो मुझे ये नहीं पता था कि 70 भी जाना होता है, लेकिन हम फिर भी लगातार इसको चलते रहे। आप इस बात को समझिए कि नए लोगों को इस बात का नहीं मालूम होगा कि 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस क्या है, वो अपने अपलाइन से जुड़ डिस्कस कीजिए। और उसके बाद आपका 3% से लेके 8% की आपकी रॉयल्टी, ये भी आप अपने अपलाइन से आप डिस्कस करें। और आप 1% से लेके 5% तक की रॉयल्टी आपका टेक्निकल बोनस, ये भी अपने अपलाइनों से आप डिस्कस करें और ये आप तभी समझ आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप फिलहाल अभी 10 से 20% की बात को समझिए, आपको 10 से लेके आपको आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बोनस है उसको समझ आता है तो उसके बाद आपको कुछ उसका विजन आपको क्लियर होता है। तो दोस्तों अभी जब इस सिस्टम को आप समझेंगे, इस सिस्टम को आप करेंगे, इसको करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम की वैल्यू क्या है, इस सिस्टम को हम कैसे कर सकते हैं। छोटी सी बात है कि यदि आपको तैरना सीखना हो पानी के अंदर तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये शॉर्ट प्लान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 1.5 साल हमें प्लान देते ही रहे, हर एक हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दे रहा, हमारे अचीवर्स प्लान दे रहे हैं, हर एक अचीवर्स हमारे अपने हर अलग ढंग से प्लान दे रहे हैं। और जितने बड़े हमारे बड़े लीडर्स का जितना भी हमारा एक मोटिवेशन है वो हर एक चीज में आपको बता रहे हैं कि हमारे सिक्स बेसिक क्या है। ये आप खुद को पूछिए कि हमारे सिक्स बेसिक क्या है, हमारे 8 कोर स्टेप क्या है, ये भी आप खुद अपने आप को समझ सकते हैं और खुद आप इस बात पे स्टडी कर सकते हैं इन चीजों की बेसिक्स क्या है। ये बेसिक से मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे अच्छे हैं, आप इसको यूट्यूब पे देखिए, हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम में देखिए, हमारे 8 स्टेप्स में जिसमें अत्रि साहब, हमारे बस साहब, हमारे बलवान दीक्षित साहब, जितने भी हमारे कुठारी साहब, कितनी चीजें इस पर डिस्क्राइब की है। सर हमारे एक बड़ी सही बात बोलते हैं कि आप वो मकान को देख के आप मकान नहीं बना सकते, लेकिन मकान को बनते हुए देख के मकान बना सकते। तो आपको आप देख ही रहे हैं कि हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट आ रही है। पुलिंदर सर ने अभी एक छोटी सी उम्र में कितना बड़ा लेवल को तो अभी ब्रेक किया है। इमरान एक छोटी मोटी पिनी है, क्या आप समझते हैं कि भी इनकी पिन कोई इजीली थोड़ा होगी कि सुबह नेगी साहब के पास गए, नेगी साहब सो के उठे और उनको कुंडा फिराया कि हाँ जी विक्रम नेगी जी है कि सर हाँ जी मैं हूँ सर, ये लो आप 2,000 में मेरी ज्वाइनिंग करा दो। तो क्या इनके सबके साथ ऐसा हुआ होगा? दोस्तों इन लोगों ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, मुझे 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 पता है कि
स्वर्गीय स्टेश पंडित जी, जिनको मैं उस टाइम मजाक समझता था कि यार कैसे भागे हुए ये लोग, उस स्टेश शर्मा जी जो हमारे यहाँ पर काम करने आते थे, तो मुझे लगता था यार कैसे कर तो भाग रहे। लेकिन उस टाइम कुछ हमारे दिमाग में भगवान का आशीर्वाद था ही नहीं, हमें समझ नहीं आती थी कि क्या कर रहे हैं। इन लोगों की डेडिकेशन आज हमें खुश समझते कि इन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की है। गर्ग साहब जब भी पहाड़ी इलाकों में जाते थे तो आप खुद देख सकते कि आज के टाइम में कितनी डिस्ट्रक्शन है। हमें खुद भी हिमाचल में ये नहीं पता लगता है, घर से जाने का तो पता लगता है लेकिन हमारे घर में घर वापस आने की हमारी कोई गारंटी नहीं। उस भी मुश्किल हालातों में इन लोगों ने सबने काम किया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी जीवनी से इंस्पायर होके आप कैसे ना कैसे अपने रिजल्ट दो, अपनी टीम को रिजल्ट दो, हमारे इस SPG ग्रुप का हम अपना नाम को रोशन करो। दोस्तों ये हमारा जो प्लान था, ये प्लान मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने कुछ एक चंद बातें बताई ठीक है। लेकिन जो मेरा आज सब्जेक्ट मैंने कोई होट तैयार किया है, उस सब्जेक्ट को एक कुछ एक मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा था कि टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज इक्वल टू मनी, समय गुणा दर है पैसा। दोस्तों ये इस बात ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया कि एक आदमी के पास 8 घंटे का समय तो है, एक आदमी का 8 घंटे का समय है, और यदि वो दिहाड़ी लगा के कोई भी अपना रिक्शा चला के, अपनी दुकानदारी कुछ भी करके, यदि वो एक घंटे का 50 रुपए भी ले रहा है तो 400 रुपए पर डे ले रहा। आप देखिए कि एक आदमी 8 घंटे में 8 घंटे का काम करता है, यदि एक घंटे में उसको 50 रुपए भी मिलते हैं तो वो 400 रुपए लेता है। आप 50 के आपको 60 करो, आप 70 करो, आप इसको 80 करो, 640 रुपए लेता है। तो 640 रुपए लेता है तो उसके पास सिर्फ एक ही काम है कि वो एक ही काम करता है। लेकिन जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास इस 8 घंटे के अंदर यदि उसके साथ 100 आदमी भी है, 8 घंटे के अंदर यदि उसके साथ 100 आदमी भी है, तो आप ये देखो उसका कितना बड़ा टाइम हो गया, समय देखिए आप कितना बड़ा समय हो गया, 800 गुणा 8, 800 घंटे उसके पास मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं कि हम यदि हमारे किसी के 10 लोगों की भी हमारी टीम है तो 10 लोगों को हम 800 घंटे से कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल यदि 8 घंटे में हो सकता है कि आपके घर से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि अभी इस काम के लिए सामाजिक मान्यता नहीं, सामाजिक मान्यता इन द सेंस कि यदि आज से 40 साल पहले किसी की लड़की फिल्म सिटी में चल जाती थी तो मैं समझता हूँ कि भी उनको घर में वापस नहीं मानते, जैसे होता ही था। लेकिन आज के टाइम में आपकी बेटी या हमारी बेटी को मौका मिले तो हम उसको आगे आगे एकदम भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही अभी सामाजिक मान्यता इस सिस्टम के लिए नहीं, लेकिन जब से गाइडलाइन लगातार सब लोगों की एक माहौल बन रहा है, हर एक कंपनी इसके अंदर डेट सेली के अंदर आ रही है, तो ये बहुत बड़ा माहौल बनता जा रहा है और सामाजिक मान्यता भी मिलती जा रही है। जैसे अभी हमारे अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ हिमाचल में, हमारे साथवीं सोलन है, यहाँ से कुछ 4-7 किलोमीटर वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स को शुरुआत की हुई है, कुछ एक मैंने 3-4 बच्चों को भी वहाँ पर एडमिशन के लिए वहाँ पर मोटिवेट किया कि आप यहाँ पर एडमिशन लो, उनके पेरेंट्स को भी मिलता है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप, क्योंकि अभी नौकरियाँ तो शायद अब नहीं है, आप खुद देख रहे हैं कि मशीन पैसा दे भी रही है, मशीन पैसा दे भी रही है, पास भी वही जमा कर रही है, तो वहाँ पर तो लोगों का काम तो खत्म हो गया। एक CCTV कितने लोगों का रोजगार खत्म कर रही है, एक JCV मशीन कितने मजदूरों का काम खत्म कर रही है, एक कंप्यूटर कितने कर्मचारियों का काम खत्म कर रहा है। ठीक है, आप ये देखिए कि आज के टाइम में रोबोट्स आपके ड्रोन आपके सैनिकों का काम कर रहे हैं, तो ये तो रोजगार खत्म होता जाएगा। बहुत राइट टाइम है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करके इनको ये कोर्स कराएं, और आने वाले टाइम में उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के माध्यम से जब मुझे समझ आया कि मुझे इस काम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे अभी सहन साहब, ये बहुत बड़ी पहले मीटिंग देखी थी मैंने, दिवाड़ी में उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने बड़ी शुरुआत में एक बात की थी, जैसे विलास साहब लीडरों ने बात की कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस।
नो प्लान नो बिजनेस, तो नो प्लान नो बिजनेस में तो जो लोग जिन्होंने नहीं किया वो अभी एक कंपनी छोड़ के, दो कंपनी छोड़ के, तीन कंपनी छोड़ के उनका पूरा प्रोफाइल ही खत्म हो गया। अभी आज मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिला, लेकिन क्या है कि भी जैसे बस आप आते हैं कि जिसको फर्स्ट टाइम जो चीज मिलती है वो उसी को ही अपना सब कुछ मानने लगता है। एक उस ढंग की तरह जैसे एक बत्तख का बच्चा है, यदि उसको इंसान देख ले तो वो बत्तख का बच्चा उसको अपना माँ बाप उसको समझने लगता है। तो वैसे एक नया जो एक व्यक्ति आता है, उस नए व्यक्ति को जो एक प्लान दिया जाता है, उसको ये नहीं पता कि उसके उसका फ्यूचर क्या है, इसके इसके उसका फ्यूचर क्या है इसके पीछे। तो वो ऐसे ही ऐसे शख्स मुझे आज मिले, तो वो मतलब वो बातें सुनना ही चाहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ऐसे बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, बहुत समाज में ऐसी बहुत मतलब दुविधाएं ऐसे पड़ी जिनको हमको सुधारना है। तो मेरी उनसे कम से 2-2.5 घंटे बात हुई, 2-2.5 घंटे में मैंने उनको समझाया कि सर खीरे की बेल और आम के पेड़ में फर्क है। आपने खीरे की बेल के लिए काम किया था जो 6 महीने चलना था, पैसे लगा के यदि पैसा आदमी कमाना चाहे तो वो ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि जो कंपनी थी जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग थी वो हमारे प्रोडक्ट बेस पे थी। तो यहाँ पर क्या किया कि लोगों ने प्रोडक्ट को तो नहीं यूज किया, लेकिन आदमी से आदमी का पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसमें आप सामने आपके आस पड़ोस में हजारों एग्जाम्पल है। बहुत सही बात बोली सर, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग लॉस्ट, इफ द करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ पर जो लोगों ने इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने शायद मैं मुझे तो खुद लगता है कि अपना चित्र को भी खोया है, जहाँ पर लोग लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार है, आज उनको 10 रुपए देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप इस बात का बुरा ना माने, इस बात को सुधारा जा सकता है, क्योंकि अनजाने में कोई भी गलती की उसको गलती नहीं कहते, उसको हम सुधार सकते हैं, क्योंकि अपने हमारे गुरुओं के माध्यम से हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो दोस्तों मुझे फिर जब मैंने इस काम को शुरुआत की तो मेरे को बहुत दिक्कत आई, इतनी दिक्कत आई कि एक तो मैं अपना धंधा पूरा छोड़ चुका था। फिर कई लोग बोलते थे यार इसके बाप ने तो इसको 2-2 गाड़ियां डाल दी थी, आज देखो 1500 का धंधा करने लगा। लेकिन दोस्तों बहुत बातें चुभती थी, लेकिन मुझे भी एक बात समझ थी कि चलना तो मुझे ऐसे ही है, तो मुझे जो मर्जी बोलते रहो। एक मीटिंग में मुझे कहीं जाने का मौका मिला, तो मुझे एक चीज उन्होंने एक हैंडपंप के बारे में बताया। आपके भी हैंडपंप होते होंगे, हैंडपंप निकलते थे, हैंडपंप उसकी एक डेप्थ उन्होंने बताई कि जो हमारी डेप्थ होती है कि जब मान लिया जाए कि 150 फीट में यदि पानी जाता है, तो जो 150 जो पहला जो जो पाइप जाती है वो शायद 60 से 70 फीट की होती है, 60 से 70 फीट की पाइप होती है जिसमें वो पानी बिल्कुल खारा पानी होता है। खारा पानी की मतलब उसको आप यूजलेस पानी उसको बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, वो खारा पानी होता है। लेकिन जैसे ही उस 70 फीट को वो 70 फीट नीचे ले जाते हैं तो उसमें नमकीन पानी निकलता है, उसमें नमकीन पानी आना शुरू हो जाता है। वो यूजिंग की तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कहीं आप खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब उसको 70 फीट हो नीचे उसको ले जाएंगे तो उसमें मीठा पानी आना शुरू होता है, जिसको इंसान अपनी जिंदगी के लिए यूज कर सकता है, अपने प्यास के लिए यूज करता है, अपने जीवन शैली को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है, तो मीठा पानी। तो सेम थिंग हमारे भी यही है कि जो हमारे साथ शुरुआत में जो लोग जुड़ते हैं, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, वो यार दोस्ती मेरे साथ जुड़े कि हाँ जी कर ले, वो भैया कई लोग मुझे बनते भी देखते, कहीं उसको ऐसा लगा कि यार कहीं हमारे कंधे से कहीं बढ़ना जाए, कहीं हमारे 10 रुपए का साबुन लेने से कहीं इसको 2 रुपए का फायदा ना हो जाए, चाहे भले ही उसने वहां पे 50 रुपए का साबुन ले लिया होगा, दुनिया भर की बीमारी ले होगी। तो ये खारा पानी वो हमने यहाँ से बिल्कुल क्विट किया, हमें कुछ नमकीन पानी यहाँ पर मिला, नमकीन नए डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे पंडित जी हमें बोलते हैं कि आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी 1 लाख का समस्या का समाधान है। तो हमने नमकीन पानी पे काम किया, नमकीन पानी में भी कुछ खारा पानी निकला कुछ नहीं, लेकिन कुछ छोड़ के जब हम लगातार चलते गए, नई ज्वाइनिंग नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढते गए तो हमें यहाँ पर मीठा पानी मिला। तो दोस्तों इस मीठे पानी के लिए मुझे कम से कम 5 से 7 साल लगे, सिर्फ
अपने गुरु के माध्यम से। वैसे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि कुछ एक लेसन मैं करता, जब मैंने शुरुआत में इस काम को शुरुआत किया था तो मेरा बेटा उस टाइम फर्स्ट में था, और जब मैंने रॉयल्टी को ब्रेक किया तो उस टाइम मेरा बेटा फिफ्थ क्लास में हो चुका था और मैं अभी सिर्फ 3% की रॉयल्टी निकल। तो फिर उसके बाद जब मीठा पानी पर मुझे समझ आया तो थोड़ा दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा फास्ट भी हुआ, और मुझे खुद को भी ये कारण हुआ कि मुझे तो करना चाहिए। जब मेरा बेटा 5 साल में 5वीं क्लास में पढ़ा तो मैं तो यार एक जगह ही लटका पड़ा, तो मैंने मीठे काम पे काम किया, मीठे मीठे पानी पे मुझे बहुत अपने भाइयों का साथ मिला, बहुत दोस्तों का साथ मिला, मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला, और इस आशीर्वाद के माध्यम से ही मैं दोस्तों आपके सामने और आपके सामने इस लायक बना हूं कि मैं चाहे जैसा भी बता रहा हूँ लेकिन आपके सामने लिख पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस मीठे पानी पे मैं समझता हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप सबको नहीं सुधार सकते। सबके सब डॉक्टर बन गए तो मरीज कोई नहीं रहेगा, सबके सब यदि सेठ बन गए तो फिर मजदूर कौन रहेगा। आप जो मीठा पानी है जो आपका डीप डेप्थ में आप पकड़िए, डीप डेप्थ में यदि आप एक बिजनेस मैन, डीप डेप्थ में यदि आप 1000 रुपये का भी वॉल्यूम डालते हैं तो दोस्तों ये 1000 रुपये का वॉल्यूम आपके अब तो सबको चल जाएगा। जिसका दम होगा सर जी वो खुद अपना आप निकालता रहेगा, अदरवाइज तो टाइम निकलता रहेगा। वक्त तो अभी सबको समझाएगा, जैसे आप गुरुओं के माध्यम से सीनियर लीडर के माध्यम से बताते हैं कि 2020 से 25 के बीच में एक इंसान को 1.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए। तो आप देखिए 1.5 लाख रुपए की इनकम को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जबकि उसमें खर्चे चलेंगे। आज के टाइम में 10,000 में 15,000 में आदमी सेटिस्फाई, कैसे सेटिस्फाई है? वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने आप से धोखा कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ धोखा कर रहा है, अपने अपने आने वाले बुढ़ापे के लिए धोखा कर रहा है, अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि वो उससे जिंदगी को जी तो रहा है लेकिन जिंदगी को बढ़ा नहीं रहा है, भूखा मर नहीं सकेगा, आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो दोस्तों आप मीठे पानी के लिए काम करें, मैं समझता हूँ कि यदि आप मीठे पानी के लिए काम करते हैं तो बहुत जल्दी ये खारा पानी और नमकीन पानी आपका खत्म होता रहेगा, और ये खारा पानी और नमकीन पानी आपका सब मीठे में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इस बात को समझा, इस बात को समझने के बाद मुझे एक बात और समझ में, मुझे एक और बात समझ में कि यार मेरे यदि मेरे साथ इसमें मान लीजिए 100 डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरे साथ है, तो मैंने उनका एक पैकेज बनाने की कोशिश की कि एक इंसान के घर में कम से कम 4 लीटर तेल तो लगता है, चाहे वो सरसों का तेल यूज करता है, चाहे कुछ भी कोई भी तेल यूज करता है, लेकिन हमारे पास जो हेल्थ गार्ड ऐसा प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रोडक्ट नहीं। यदि उस 4 प्रोडक्ट उस 4 तेल के पाउच को या 5 लीटर की चीनी को मैं एक आदमी के पास दे दें और उसमें मुझे 350 का वॉल्यूम मिले, तो क्या किया जा सकता है ये काम? उसके घर में साबुन तेल मिर्च मसाला और भी लगता होगा, वो भी आप 1000 रुपये का सामान लेके चले, वो भी आपका 500 वॉल्यूम मिलता है। उसके घर में न्यूट्रीचार्ज, उसके घर में कोई भी हमारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है वो भी उसके उसके घर में लगता है, तो उसका भी यदि आप 500 वॉल्यूम मान के चले तो आप ये देखिए कि एक एक आदमी से 1500 का वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, और ये हो नहीं जाता, ये मैं करता भी, और ये हमारे हमारी खुद की बड़ी स्ट्रेटजी भी यही रही। और इस 1500 को वॉल्यूम को यदि आज हमारी 100 बंदों की टीम है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर ले तो 1.5 लाख वॉल्यूम तो हमारा एक पावर लैग में ही निकल जाता है डीप डेप्थ में। तो आप देखिए कि 1.5 लाख का वॉल्यूम है तो कोई अपनी वाइटल को 5,000-10,000 से करता है तो आप देखिए आपको ऊपर तक कितना वॉल्यूम में क्रिएट हो जाता है। आप इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, इस स्ट्रेटजी को आप समझिए कि हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, हर एक चीज के प्रोडक्ट हैं, हर एक चीज पे हर एक हम सीजनली हम काम कर सकते हैं। जैसे आज आप हमारे हिमाचल में आएंगे, अभी जैसे शिमला में आएंगे तो हमारा पूरा अभी होटल पैक थे, कोरोना के बाद में जितने लोग अभी फ्री हो गया है होटल पैक थे, लेकिन वो सिर्फ खेजे की बेल थी, वो सिर्फ 2 महीने का काम था। अब सारे होटल खत्म है, हर एक होटल अभी वो जो जो कमरा आज के टाइम में 8-10 हज़ार पे सिर्फ मास्टर प्लान पे चलता था आज उसका वो 2-2 हज़ार में भी दे रहे। तो दोस्तों हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है। अभी सावन का महीना है, सावन के महीने में कितना बड़ा काम हो रहा है। इसके बाद अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में लोग कितना काम करें, किसी घर में जगराता है, किसी घर में जागरण है, किसी घर में ईद है, किसी घर में कुछ, तो वहां पर सामान यूज होगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इससे पहले नवरात्र से पहले अभी श्राद्ध आएंगे, कितने लोग अपने घर में सामान यूज करते हैं, तो
उसके बाद आप फिर से जाए, उसके बाद हमारे त्योहारों का टाइम है, त्योहारों के बाद फिर हमारा सर्दी का टाइम है, सर्दी के बाद फिर बच्चों का स्कूल है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट नहीं है जो हम लोगों को दे सकते। आप अपने ग्रुप में देखिए, एक ग्रुप में यदि पांच शादियां भी, पांच शादियों में भी यदि हमने 10,000-20,000 का सामान दे दिया। आज भी मैं खुद की बात बताऊं तो हमने एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से 22,000 का सामान दिया, तो 20,000-22,000 का सामान देखने के लिए आप देखिए कितने लोगों को उसका वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो इन छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटे छोटे बातों में आप इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने वॉल्यूम को जनरेट कर सकते हैं। जुलाई का महीना है, आप ऑफर देखते हैं कि कितने ऑफर्स है, हर एक ऑफर न्यूट्री चार्ज के माध्यम से। अभी विक्रम सर ने अभी कितना बड़ा एक हमारा ड्रॉ का एक सिस्टम शुरुआत की थी, जिससे हमारे बहुत लोगों को बेनिफिट किया, बहुत लोगों का इसका बेनिफिट भी हुआ। ठीक है, इससे पहले कुलविंदर सर ने कितने बड़ा इस ड्रॉ सिस्टम को इसको समझ के मतलब कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में दिया, कितने लोगों को उसका बेनिफिट हुआ। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें आदमी हमारे जो लीडर्स हैं कितने इसको मुश्किल से बनाते, चीज़ें हमारे को हमारे सामने हम पेश करते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम उसको ना कर पाए तो मैं समझता हूँ कि भी हमें फिर शायद चूड़ भर पानी में डूबने की हो जाना चाहिए। जो हम यदि हम सीरियस हैं तो दोस्तों, मैं कुछ गलत बातें बोल रहा हूँ तो आपको गलत लगे तो कोई बात नहीं, गलत लगने भी चाहिए। ठीक है, ये आप ये दो बातें या आप इसको करो, ठीक है, या इसको मजाक मत समझो। हम उन सीनियर लीडर्स के लिए कह रहे हैं जो अभी अभी क्या करते हैं कि अपने साथ 10-12 लोगों को लगा के साथ में अपनी दिक्कत में लगा के वो समझते हैं कि भैया अब ठीक है ये काम करेगा और मैं सिर्फ ATM में जाऊंगा, पैसा निकालूंगा और अपनी जेब में रखूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। आज 15 साल में हम भी नहीं मानते इस बात को, लेकिन हमारे अपना इन्होंने संघर्ष करके हमारे डाउन में हमारे को टीम क्रिएट करके हमें जबरदस्ती खींचा, जबरदस्ती के तब हमें कम से पाँच छह साल बाद समझ आइए। आप लोगों को भी करना पड़ेगा, आपके लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग कैसे मानेंगे जब आप ही खुद नहीं करने वाले, तो लोग कैसे मानेंगे। आज हमारे लोगों को प्लान करना नहीं आता, हमें हमारे लोगों को एक जूम की ID तक नहीं खुलने आती, जबकि आप देखो कि हमारे मैक्सिमम जो लीडर्स हैं 24 आवर, यदि आप 2:30 बजे दिखेंगे तो आप उनको फेसबुक में दिखेंगे, आप उनको ऑनलाइन, आपको उनको टेलीग्राम या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया चली उसमें आप देखेंगे। आप देखिए उसको तो आता है, ये छोटी सी चीज़ को उनको सिंपल चीज़ को करने में कहा जाता है। दोस्तों, सीरियस लें इस बात को, और यदि आप सीरियस नहीं लेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो वक्त तो आपको समझाने आएगा है। कोरोना का टाइम चला, कितने लोग अभी बेकार, मेरे फैमिली के लोग जो लाख लाख रुपये भी जो सैलरी लेते थे अभी चुपचाप बस में बिठाया, अब उनकी कहानी एक उस हंस की तरह हुई है कि एक कौवा कहते हैं कौवा ना मतलब इस सिस्टम में एक आदमी कौवे से हंस बनने के लिए आता है, वो जब नहीं कर पाता ना तो ना कौवा रहता ना हंस देता है। वो ये बोलेगा यार मैं तो रियलिटी पिन पे था या मैं तो टेक्निकल पिन पे था, ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैंने किया तो कुछ नहीं, अब किया तो मेरे को कहीं एक गधे के नीचे दो घोड़े लगे, मैं तो बढ़ गया वहां। तो दोस्तों, इस भ्रांति से, इस भ्रम से दूर रहें, आप फील्ड में काम करें, आप फील्ड में डेडली काम करें, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में, और उसकी राजा से सब कुछ है। यदि मेरी जीवन का यही क्षण दिखा है तो मैं अगला क्षण नहीं इसको चलने वाला हूँ। अभी है तो मेरा फाइनल है, लेकिन मैं अपने जो मेरे हाथ में कर्म है उस कर्म को आप हम करें, उसको लगातार कर्म करें। जुलाई का महीना है, सितंबर महीने में हमारी बहुत बड़ी पिन अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी पिनों को हमारे बहुत साथी अंजाम देंगे। अभी आप देखिए कि एक आम आदमी अपना 100-200 का सामान लेने से भी डरता है, लेकिन जो लोग अभी पिकअप सेंटर में लाखों रुपए का सामान ला रहे हैं, लोगों को सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं, उनमें तो कोई दम होगा, उनकी भी तो आप एक उनकी मन की भावना देखो कि इतना बड़ा काम वो लोग समाज के लिए कर रहे हैं, क्या हम उनका साथ ही दे सकते। कई पिकअप सेंटर वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं खुद को भी समझता हूँ कि हम उसमें लाले बन के बैठ जाते हैं, कोई हम दुकानदार ढूंढना है कि हमने वहां से सामान लिया, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आज क्या ऑफर है, आज क्या चीजें हैं, आज क्या न्यूट्रिशन का क्या फायदा है, क्या कि कोई आदमी हमसे सामान ले तो हमसे क्यों ले, वो बाजार से क्यों ले, उसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। कोई हम दुकानदार नहीं, कोई हम लाले नहीं, हम डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट सेलर का मतलब कि हम उन आने वाले युग में उन लोगों को इस जो 21st सेंचुरी में उन लोगों के लिए हम एक प्रेरणादायक बन पाएंगे यदि हम अभी से काम को करना और लगातार उनको बताना सीखेंगे। दोस्तों, उन्होंने हो गए आखिरी में, वैसे आप जैसे मर्जी मुझे गलत बोल सकते हैं, सही बोल सकते हैं, लेकिन आज
गुरु के माध्यम से, आज अपने गुरुओं के माध्यम से, जैसे हमने अपने गुरु का लड्डी छोड़ा है, उनका हाथ नहीं छोड़ा है। आज गुरु पूर्णिमा पे एक मैं कहीं लेख पढ़ा था, उस चींटी की तरह की, यदि एक चींटी ने, एक चींटी ने यदि कलकत्ता जाना है तो आप इमेजिन करो कि क्या कलकत्ता पहुंच सकती, शायद नहीं पहुंचेगी, उसको जन्मों जन्म लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन यदि वो एक सेठ के कोर्ट में किसी जेब में घुस जाए तो चंद पांच घंटे के अंदर वो कलकत्ता पहुंच जाएगी। तो वैसे ही दोस्तों, आपका अपलाइन जो आपको बार बार तंग कर रहा है, आपको बार बार बोल रहा है यार कर ले कर ले कर ले, हालांकि उसको कोई आपकी जरूरत नहीं है, उसके बाद उसने 10-20 लोगों को और वहां पर आके आपको स्पॉन्सर कर दिया है। आप उस चींटी की तरह आप उस कोर्ट में चढ़ जाओ जो आपको आने वाले टाइम में रॉयल्टी क्या टेक्निकल क्या आपको डायमंड पिन तक पहुंचा सकता है। दोस्तों मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो खैर आप समझो, मेरी बुरी बात लगी हो तो मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि भी हमारे लोग बनने चाहिए सब, क्योंकि ये दर्द ना हमने बहुत सहा है, और ये इसीलिए सहा है कि यदि हमारा कोई आदमी, कोई भी हमारा मेल लीडर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारा किसी दूसरे सिस्टम में जाता है और उस सिस्टम में फिर रिपेयर होकर हमारे पास आता है। आप छोटी सी बात देखो, जो हमारे पास 9 रुपये का साबुन नहीं ले सकता वो जिंदगी में कुछ कर ही सकता, जो हमारे पास से 1 रुपये का शैम्पू यूज नहीं करता जिंदगी में कर क्या सकता। यदि वो जाता है तो हमारी कमी, अपनी कमी हम समझते हैं, यदि वो जाता तो फिर भगवान उसका पालनहार है या उसको देखने वाला है। लेकिन इतना मानना कि यदि वो जाता तो रिपेयर होकर आएगा, 1 महीने बाद नहीं आएगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद रिपेयर होकर तो आएगा, और वैसे हमारे साथ आए भी और आ भी रहे और जाएंगे भी और फिर भी आएंगे। तो दोस्तों इन कड़वी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आपको बुरा लगा हो मेरे अपलाइन को, मेरे जितने भी अपलाइन है, मैं हमेशा मेरा आशीर्वाद मेरे पर उनका रहा है, मेरे जितने मेरे कलीग्स हैं, जितने मेरे हेल्पलाइन है, उनका आदर मेरे साथ रहा है, मेरे जितने हमारे साथ पिलर्स हैं, जितने भी टीम है, उनका प्यार मेरे साथ रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सबसे डीप डेप्थ में ही बढ़ के मैंने काम किया है और डीप डेप्थ में ही काम करता जा रहा हूँ। अभी नहीं तो मुझे इतनी बात समझिए कि जहाँ पर मेरा 2005 से 21 का सफर मेरा यहाँ से आरसीएम से निकला है, तो वहाँ 21 से 25 और 30 भी निकल जाएगा, सिर्फ मैं जिंदा रहना चाहिए। तो वैसे भी निकला है, वैसे भी यदि मैं निकालूंगा तो मैं कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आपसे तो कुछ मेरी बात गलत लगी हो या कुछ भी लगा हो तो सर आप जानो, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, मतलब जितने भी हमारे जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम है, सम टाइम है, मंजरोजे के लिए आए हैं, उन्हें 10-20 बंदे ज्वाइन करा दिए और वो अपने अपलाइन के सिर पे वो कर रहे थे कि भैया वो देखता रहेगा और मुझे एटीएम में जाना। तो मेरी खास करके उन लोगों के लिए एक मैसेज था, आप समझो इस बात को कि इस बात को हमको करना है अपने अपने गुरुओं के माध्यम से, जो सुबह 6 बजे बैठते, 5 बजे भी बैठ जाते, अपने कॉपी किताब लेके, अपने सब काम को छोड़ के आप सबको समझिए। यदि हम नहीं समझेगा तो आने वाला वक्त समझाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आर सिंह। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह, बहुत ही बढ़िया सर। एक बार सभी साथी जोरदार ताड़ियों के साथ राकेश चौहान जी का हम थैंक्स करते हैं। सर आपने हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से आज बताया, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बात हो गई जो लगातार फील्ड कर रहे हैं उनके लिए भी हो गई, ऑनलाइन सिस्टम के लिए भी बात कर ली, और आने वाला जो मंथ है सितंबर मंथ उसके लिए भी आपने, और साथ में ही न्यूट्री चार्ज के जो ऑफर्स है उसके बारे में थोड़ा सा इशारा आपने दे दिया, और बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेकर आपने हमें आज बताया कि किस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड लीडर मिस्टर कुलविंदर जी आरसीएम बिजनेस इमराल्ड हमारे साथ है, तो आप सबकी जोरदार ताड़ियों के बीच हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर कुलविंदर जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र पाल जी और जय आर सिंह साथियों। बहुत ही आज शानदार जो एग्जाम्पल के माध्यम से राकेश चौहान जी द्वारा आज हमने सीखा, और जो बिल्कुल एग्जाम्पल बहुत बड़ा काम करती है, तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल है सर ने दी कि कैसे खारे, जब हम पानी मीठे पानी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो रास्ते में नमकीन पानी भी आता है, खारा पानी भी आता है, बट अगर हमारी विजुलाइज करते हैं कि एक दिन हम अपने मीठे पानी तक पहुंचेंगे और कंसिस्टेंसी जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन वहां पे बहुत हम मीठे पानी तक पहुंचते हैं।
और जहाँ पे जो मेन काम है वो है कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस, मतलब कंसिस्टेंसी जो होती है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो मस्ट है सर। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को चूज करते हैं जी, करियर के तौर पे आते हैं, बट वो सम टाइम के लिए आते हैं, सम टाइम के लिए आते हैं, कुछ समय तक आते हैं, उसके बाद फिर क्विट हो जाते हैं। जब भी हम इस सिस्टम में आए तो लगातार लगे रहे, जैसे राकेश चौहान जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कैसे उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, ऑलरेडी उनका एक बहुत बड़ा पहले भी कारोबार था, और लगातार वो एक ही डायरेक्ट सेलिंग में लगातार काम कर रहे हैं, और आज उनका नाम है, इतना बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान में। आज राकेश जी की जो टीम बिल्ड हो रही है और अच्छी इनकम है, और आज उनके पास, उनके घर में जो पानी आता है वो मीठा पानी आता है। तो साथियों जी, बहुत मुझे लगता है कि हर एक तरह की एग्जाम्पल के माध्यम से राकेश चौहान जी ने बताया गया, और इसीलिए ही वो आज टेक्निकल की पिन पे हैं। तो भी और क्या कह सकता हूँ कि जैसे सारा कुछ तो सबने बता ही दिया, जैसे जुलाई मंथ है, न्यूटी चार्ज के बहुत सारे टारगेट है, तो हम फोकस करें न्यूटी चार्ज के टारगेट के ऊपर। और जो मुझे लगता है कि जो 500 बिजनेस वॉल्यूम है न्यूटी चार्ज का और 1000 बिजनेस वॉल्यूम है, तो इसके ऊपर तो और बड़ा काम किया जा सकता है। सभी लोगों को 500 1000 बिजनेस वॉल्यूम तक तो लाए जा सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा छोटे टारगेट हम पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा हम बड़ा बिजनेस जो इकट्ठा कर सकते हैं। तो 500 तो किसी के ऊपर भी किया जा सकता है, और जहां पर भी होगा उसका जो इसके बारे में बार बार प्रचार करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन है 500 बिजनेस वॉल्यूम की न्यूटी चार्ज की, आपको जानकारी है 1000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूटी चार्ज की, तो अगर उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, उसकी बातचीत अपनी टीम तक नहीं पहुंचाते, तो फिर उसका भी फायदा कोई नहीं है सर। एक बात सर भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि अगर आपने किसी बात को 20 साल के बाद करना शुरू किया, किसी काम को 20 साल के बाद करना शुरू किया, बट आप उस काम को जानते 20 साल पहले से है, पर जे आप गलतफहमी है कि आप 20 साल पहले से जानते हैं, आपने उसी समय जाना जब उसको करना शुरू कर दिया। अगर आपको अभी जितने भी ऑफर है उसके बारे में जानकारी है, अगर आप इसके बारे में लोगों तक नहीं पहुंचाते तो उसका फायदा कोई नहीं है साथियों। पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ये बहुत अच्छा आज हमारे पास जो डिजिटली प्लेटफॉर्म है, जूम के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, या छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को वीडियो बिल्कुल क्लिप भी भेजनी है तो ऐसे ना भेज दें कि एक आप ग्रुप बनाया और उसमें सर्कुलेट कर दिए, पहले किसी को भेजनी चाहते हैं तो उसको पहले फोन करें कि सर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजना चाहता हूँ, 2 मिनट की है, चाहे 1 मिनट की है, तो आप इसे देखें जरूर सर, ताकि मैं आपसे दोबारा पूछ सकूं। अगर आप किसी को कॉल करके वीडियो उसको भेजोगे तो उसी को देखेगा, उसी के रिजल्ट मिलेंगे। हम करते क्या है कि हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, तो एक बार ही सभी लोगों को जो भी लिस्ट वो वीडियो वो भेज देते हैं, और जिसके बहुत ज्यादा परिणाम नहीं आते सर। मैं बहुत बार लोगों के जब पास बैठता हूँ तो लोगों की जब वो चेक करता तो आगे से आगे चेक करते हैं, कोई वीडियो को नहीं देखता। तो पहले कॉल करें कि सर उसी को ही कॉल करके वीडियो भेजिए, और वही वैसे भी अपनी वैल्यू भी कम ना करें कि हर एक को आप मैसेज करते जाए, तो पहले कॉल करके मैसेज की मीटिंग का भी, अगर आपने किसी को मैसेज भेजना है ना, तो मैं तो उसी को ही मैसेज भेजता हूँ, पहले उसको कॉल करता हूँ कि सर आज मीटिंग है, उसी को वीडियो सेंड करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ कि सर आज ये वीडियो जरूर देख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज चौहान जी के माध्यम से बताई गई, और हर एक विषय को सर ने आज छुआ कि अगर चले चलेंगे तो चैलेंज आएंगे, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और इन इन दिक्कतों से ही हमने, अगर हमारा विजन क्लियर है, हम क्या पाना चाहते हैं, अगर हमारा बड़ा ड्रीम है, तो साथियों जी छोटे छोटे चैलेंज, मुश्किलें, दिक्कतें हमारे रास्ते में नहीं आएगी। वही बात है, वो है कंसिस्टेंसी। इस बिजनेस में कामयाब वही होगा साथियों जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहेगा। जब हम चलेंगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को ना देखें, उन मुश्किलों को ना देखें, उन चैलेंजों को ना देखें, और आप अपने टारगेट की तरफ देखें, अपनी टीम की हेल्प करें। किसी का 500 बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है, 500 करवाएं, किसी का 1000 हो सकता है, 1000 करवाएं, और उसके ऊपर निगरानी रखें कि पिछले महीने में इसने 1000 किया था, क्या इस बार कर लिया, पिछले महीने ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम किया था, क्या इस महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया। निगरानी रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुरेंद्र पाल जी, थैंक यू सर, आपके माध्यम से हमें भी कुछ विचार जो है वो सांझे करने का मौका मिल जाता है टीम से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुरेंद्र पाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपने ये अनमूल्य विचार आपके सुनने को मिले आज, और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन पर,
तो हम सब लकी है कि सर आज आपका आशीर्वाद पूरी टीम को मिला, और थैंक यू आपका भी, और राकेश चौहान जी आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत बढ़िया तरीके से आज सभी का विजन और रियल में जो बात करनी चाहिए वो आपने बिल्कुल सभी को बताई कि काम करने से ही बात बनेगी, और कुलविंदर जी ने भी इसी बात पर ही हम सबको बताया कि काम कैसे भी करें लेकिन काम करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करने का तरीका सर ने बता दिया, ऑफलाइन का तरीका बता दिया, बस अब हम सबको फ्रेंड्स एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए पूरा जोर सभी लगाएंगे तो तभी SPG सितंबर में पता चलेगा पूरे इंडिया को कि SPG ग्रुप है। अगर सभी अलग अलग दिशा में चलेंगे तो कुछ अलग रहेगा, तो जैसे भी हमारी अपलाइंस हमें बताते हैं कोशिश करो उसी तरीके से करने की। तो इसी के साथ ही आज निगी जी का कुछ चैलेंज है, बार बार सर नेट का चैलेंज है शायद, तो नहीं हो पा रहे ऑनलाइन, बीच में हो भी रहे हैं लेकिन फिर भी कट जाता है, तो आज कुलविंदर जी से ही हमें जो आशीर्वाद मिला वही सभी साथी लेकर चलें। तो इसी के साथ ही आज की मीटिंग को हम यहीं विराम देते हैं, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय आरसीएम।